भूमिपुत्र हक समिति की ओर से कल्याण ग्रामीण और अंबरनाथ शहर के विविध गरीब जरूरतमंद और रोजाना कमाकर अपना गुजारा करने वाले लोगों में जरूरी राहत के सामान का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए वर्तमान में पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण गरीब तबके के लोग, विशेषकर ऐसे लोग जो दूर दराज गाँव और आदिवासी इलाकों में रहते गए, वह भूखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं। संकट की इस विकट परिस्थिति में बहुत सी सामाजिक संगठन अपना योगदान दे रही है। इसी के तहत भूमिपुत्र हक समिति ने भी गरीबों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और कल्याण ग्रामीण के गोलोली सहित अंबरनाथ शहर के कुछ इलाकों में तेल, चावल, दाल, टमाटर, शक्कर जैसी जरूरी सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष चंद्रकांत मोटे, सचिव प्रकाश पाटिल, खजांची रविन्द्र भंडारी, गणेश भोईर तथा अन्य सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों के दहलीज पर जाकर उन्हें अनाज मुहैया कराया। अभी तक सैकड़ों लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं एवं आगे भी निस्वार्थ भावना से ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। कोरोना वायरस के विषाणु पसरल्यामुळे देशात लॉकडाउन सुरू झाले आहे, त्यामुळे गरीब जनतेचे हाल होत आहे। भूमिपुत्र हक्क समितीतर्फे गोलोली गावामध्ये कल्याण ग्रामीण व अंबरनाथ ग्रामीण या ठिकाणी आम्ही धान्य वाटप केलेले आहे, जेणेकरून गरीब लोकांना उपासमार होणे